बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका मेजबान नईम शहजाद। आज गर्मी बहुत ज्यादा है और हांडी बनाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, तो मैंने सोचा आप लोग भी जाहिर है घर में बना बना के थक जाते होंगे, तो आज एक आसान सी डिश बनाते हैं और जिसका नाम है दही पकौड़ियाँ। बनाना बहुत ही आसान है और बड़े ही मजे की बनती है। आइए मैं आपको बताता हूँ ये कैसे बनाते हैं। तो इनमें जिन जिन चीजों का इस्तेमाल होगा वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, चने लिए हैं, इनको बॉईल कर लिया है। उसके बाद आलू लिए, इनको भी बॉईल कर लिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दही पकौड़ियाँ। ठीक है, आपने जब भी बनाना है इसको एक घंटा पहले आप पानी में भिगो के रख दें और जब बनाने लगे तो वो पानी को ड्रॉप कर दें, तो ये आपकी दही पकौड़ियाँ तैयार हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इस तरह का बॉल लेंगे और उसमें डालेंगे सबसे पहले हम लोग चने। ठीक है जी, उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे टमाटर। बनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी चीज आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्याज हम डालेंगे। प्याज को आपने क्या करना है, काट के ठंडे पानी से, बर्फ वाले ठंडे पानी से धो लें तो इसकी कड़वाहट जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, नमक नहीं लगाना इसको बिल्कुल ही। उसके बाद हम डालेंगे आलू। सब्ज़ मिर्च बारीक बारीक हमने काट ली थी, जितनी आप जरूरत हो आप उतनी डाल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आखिर पे डालेंगे दही पकौड़ियाँ, बाजार से आसानी से मिल जाती हैं। ठीक है जी, बड़ी सस्ती डिश है और आसान सी डिश है, आप लोग जरूर घर में बनाइएगा, बड़ी मज़े की बनती है। ये सब डालने के बाद आपने क्या करना है, ये मैंने लिया है इमली पानी। ठीक है जी, इमली को भिगो के रख दें 10 से 15 मिनट पहले और बीज निकाल लें। अगर ये ना मिले आप तो इसकी जगह पे आप लेमन भी यूज कर सकते हैं, लेमन का जूस निकाल के डालें, तो इससे क्या होगा टेस्ट थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। ठीक है जी, अभी आप क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, दही लेंगे, आधा किलो दही मैंने लिया है। ठीक है जी, इसमें जितना भी दही इस्तेमाल करेंगे वो ज्यादा ही मजा करेगा। कोशिश करें कि दही घर का हो तो उससे ज्यादा अच्छा इसका टेस्ट आएगा। और इसमें डालेंगे चाट मसाला, जितनी स्पाइसी आप खाना चाहते हैं उतना डाल सकते हैं, तो मैं 2 चम्मच यूज कर रहा हूं, आप अगर ज्यादा पसंद करें तो ज्यादा भी डाल सकते हैं। ठीक है जी, इसको अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स करें। उसके बाद इसमें डालें नमक हसबे जायका, 1 चम्मच मैं डाल रहा हूं, आपको जितना चाहिए आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह आपने मिक्स करना है पहले और उसके बाद इसके ऊपर डाल देंगे। दही हमारा अच्छी तरह मिक्स हो गया है, चाट मसाला इसके ऊपर अभी इस तरह डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालें, पहले आधा डालें और इसको अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स करें। मिक्स करने के बाद जो बाकी दही बचा है वो भी इसके ऊपर इस तरह डाल दें और आखिर पे आप क्या करें, धनिया इसको इसके ऊपर स्प्रिंकल करें। तो ये ले जी, हमारी दही पकौड़ियां होंगी तैयार, बहुत ही मजे की बनी है, माशाल्लाह माशाल्लाह, वाओ, देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। आप लोग भी जरूर घर में बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा ये आपको मेरी डिश कैसी लगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए, आप सबकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।